मैम चार महीने से इनको सैलरी तक नहीं मिली है। नॉर्थ, मैं नॉर्थ एमसीडी की बात करता हूँ। सबसे पहले नॉर्थ के 5 जोन आज की डेट में थे, पहले 6 जोन थे। इनमें से आज तक 4 महीने से कोई भी कर्मचारी, मैं नहीं कहूँगा, आप यही आवाज़ लगा के पूछवा देता और कितने दिन हो गया, 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। समय से ना तो उनको वेतन मिल रहा है, जो कि वो अपने फिर घर को नहीं चला सकता, इसी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और अभी क्या है कि हम अगर अपनी बात करें तो हमारे को 14,998 रुपये मिलते हैं, जिससे कि आज की डेट में दिल्ली के जैसे शहर के अंदर अपना घर चलाना शायद मुझे नहीं लगता कि चल जाए। हमारे सभी कर्मचारियों को देखोगे तो कोई भी सुविधा नहीं मिलती, मेडिकल सुविधा कोई नहीं है। हम जो डेंगू चिकनगुनिया जैसे घातक बीमारी को रोकते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कई बार हम ही खुद हमारे कर्मचारी शिकार हो जाते हैं, और शिकार होने के बाद उनको एक जैसे कि हम लगा लेते हैं कि चिकनगुनिया को ही लगा लें, चिकनगुनिया से ठीक होने में कम से कम 15 से 1 महीना लग जाता है। 1 महीने तक अगर वो 15 दिन गया, 1 हफ्ते तक अगर वो ड्यूटी में नहीं आया तो उसको ये नोटिस देकर उसे टर्मिनेट कर देते हैं। 3500 कर्मचारी पूरी दिल्ली के अंदर है। इतना बड़ा दिल्ली शहर, जो दिल्ली एक हिंदुस्तान की राजधानी है, पर उसकी राजधानी के अंदर इतनी आबादी है, उसके डेंगू चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए ये 3500 कर्मचारी भी कम है। हमें 3 महीने हो गए लगातार यहाँ मैम, हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही है। हमारे बच्चों को ना तो कोई ऐसी सुविधाएं जो देनी चाहिए पढ़ाई की, या हमें कोई ऐसे अलग से भत्ता कोई नहीं दिया जा रहा, ना ESI, ना फंड, ना बोनस, ना हमें कोई ग्रेजुएट छुट्टियाँ दी जा रही, ना कैजुअल दी जा रही है। ये केजरीवाल साहब की सरकार, आम आदमी की और BJP की सरकार के अंदर बीच में आके एक कर्मचारी का शोषण हो रहा है, क्योंकि अब ये कहते हैं क्या कि दिल्ली सरकार कहती है कि हमने पैसा भेज दिया, और निगम के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आया। तो ये क्या है कि आम सरकार के, दोनों सरकारों के बीच में एक कर्मचारी को शोषण हो रहा है। और जहाँ पे केजरीवाल जी की बात और BJP की जो नीचे गवर्नमेंट है, देखो ये तो एक घुमाने वाली बात है, जबकि केजरीवाल जी से पूरा हम सुनने में आता है कि वो बजट देती है, मगर ये बजट कहाँ जाता है, निगम के अधिकारी कहाँ ले जाते हैं, उस बात को आज तक ना तो कोई जान पाया ना कोई समझ पाया। अगर नहीं मिल रहा है तो ऊपर सेंटर भी तो गवर्नमेंट की BJP की है, तो वो क्यों नहीं देती? तो हमें देना चाहिए, हमारा जो हक है, जो कर्मचारी होगा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, इनको रेगुलराइज किया जाए, इतने साल पुराने हो चुके हैं, हम क्या करें। हम सारे DBC की DBC पूरी दिल्ली के अंदर रीढ़ की हड्डी है सीजन के अंदर, और हमारे बिगैर इनका गुजारा नहीं है, फिर भी इनको शर्म नहीं आती, ना सैलरी देते ना परमानेंट करते, और ना कोई मेडिकल ना कोई सुविधा, ईसाई हॉस्पिटल कोई सुविधा नहीं देते। ये मेरी गुहार है इन डिपार्टमेंट से, आला अधिकारियों से, कि हमें परमानेंट करके कुछ तो सुविधा दी जाए। दिल्ली में जो भी ये बीमारियाँ फैलती हैं, डेंगू चिकनगुनिया, इनकी रोकथाम के लिए हम सीजन में पूरी मेहनत से काम करते हैं, घरों घरों में जाकर हम 4-4, 5-5 मंजिल तक चढ़ते हैं, कूलर टंकी चेक करते हैं, और वहाँ पर जो भी मतलब फील्ड वर्कर का भी जो काम है वो भी हमसे लिया जाता है, फॉगिंग हमसे करवाई जाती है, उनके साथ हमें भेजा जाता है, घरों में जो स्प्रे करवाया जाता है वो काम हम करते हैं, इसके अलावा जब थोड़ा सीजन ऑफ हो जाता है हाउस टैक्स का काम हमसे करवाया जाता है, और ये कन्वर्जन चार्ज का काम भी हमसे लिया जाता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में लगाया जाता है, जहाँ भी निगम को हमारी ज़रूरत होती है हम पूरी मेहनत से काम करते हैं, कभी हमने मना नहीं किया। जब बात अधिकारों की आती है तो ये कहते हैं आपकी तो कोई पोस्ट ही नहीं है, मतलब 22 साल काम करने के बाद अभी तक हमारी पहचान भी नहीं दी गई है। अब की बार हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, और हमारे सभी भाइयों ने फैसला किया है कि हम अपना हक लेके ही यहाँ से जाएंगे, चाहे हम मर ही जाएं, और मजबूर होके हमें यहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के रोड पे बैठना पड़ गया है। 7 दिन से हमारे भाई भूख हड़ताल तक कर रहे हैं, लेकिन 8वां दिन होने पर भी निगम का कोई अधिकारी अभी तक हमसे मिलने तक भी नहीं आया है, किसी डॉक्टर्स की टीम को उन्होंने नहीं भेजा, दिल्ली पुलिस ने हमारी हेल्प की है, लेकिन निगम की तरफ से किसी तरह का कोई सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिला है। मैं गांव खाम्बी तहसील जिला पलवल हरियाणा का रहने वाला हूं। यहां से 100 किलोमीटर दूर है, डेली अप डाउन करते हैं हम, इतनी कम सैलरी में हम इतनी दूर से आते हैं, हमारे साथ में डिपार्टमेंट ने इतनी सिरदर्दियां बढ़ा रखी हैं, लेट हो गए, एब्सेंट हो गए, घर जाओ, कोई जरा सी मिस्टेक होगी मी में दे दो, टर्मिनेट कर दो इनको। मैडम हमें भूखे मरने का शौक नहीं है,
मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे घर की हालत इतनी ख़राब है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और हम इतने मजबूर हैं, मुझे 7 दिन से ज़्यादा हो गए, मैंने रोटी तो क्या पानी तक नहीं पिया है, केवल इन भाइयों के लिए कि मेरे साथ में सब भाइयों का भला हो जाए, हम सबको परमानेंट कर दिया जाए। ये मेरी एक छोटी सी इच्छा है मैडम जी, मुझे भूखे मरने का शौक नहीं है, मैं दुखी हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से। कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया, 5 ग्लूकोज की बोतल चढ़ी है मुझे, जब जाके थोड़ा सा राहत मिला। ये भी हमारे जो यूनियन के अधिकारी हैं, ये मुझे ले गए थे, पर प्रशासन कोई नहीं आया था हमारी सुनने के लिए, हमारी हालत को देखने के लिए। 3500 कर्मचारी थे, हम 3500 में थे, 300 कर्मचारी तो छत से गिर कर मर गए, जबकि कुछ नहीं। एक झुग्गी यहाँ दिल्ली के अंदर, एक झुग्गी डाल लेना, झुग्गी डाल ले उसको प्लाट गवर्नमेंट दे दे, क्योंकि वो वोट बैलेंस है। वोट बैलेंस तो हमने भी सरकार बनाई है। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 2 करोड़ रो, हम मोदी जी ये कहते हैं, हमारे को थोड़ी भीख दे दो, सिर्फ एक ही आदमी जो करते हमारे को, हम 3500 भी 3200 भी नहीं मांगते, सिर्फ एक ही आदमी को दे दो। पक्का नहीं कर सकते तो कच्चा तो कर सकते हैं, लेकिन कर दो, कर दो, या तो हमारे को हटा दो, हम हटने के लिए तैयार हैं, हम कहीं भीख मांग लेंगे, ताकि पकौड़े बेच लेंगे, कुछ पकौड़े बेच लेंगे, कुछ चाय बना लेंगे, कोई रिक्शा चला लेगा, करें तो वे कुछ। और मोदी जी को भी पकौड़े एक दिन जरूर खिलाएंगे हम।